हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। धोनी का नाम भारतीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तानों में शुमार है। क्रिकेट के जानकार अक्सर उनकी कप्तानी को लेकर चर्चा करते रहते हैं। वहीं 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर रहे लालचंद राजपूत का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पूर्व कप्तान और मौजूदा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का मिश्रण है। राजपूत ने कहा, गांगुली खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देते थे और उन्होंने भारतीय टीम की मानसिकता में बदलाव किया और मुझे लगता है कि धोनी इसी चीज को लेकर आगे आए। अगर धोनी को लगा कि किसी खिलाड़ी में काबिलियत है, वो उन्हें पूरे मौके देने की कोशिश करते थे। पूर्व मैनेजर ने आगे कहा कि धोनी की कप्तानी में राहुल द्रविड़ और गांगुली का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो वो काफी शांत रहते हैं। एक कप्तान को मैदान पर रहते हुए फैसले लेने होते हैं और वो दो कदम आगे की सोचते हैं। एक चीज जो मुझे उनकी अच्छी लगती है, वो सोचने वाले कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली का मिश्रण है। गांगुली काफी आक्रामक कप्तान थे। आपको बता दें कि धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने दिसंबर 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर कब्जा किया था। धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने टीम इंडिया को तीन बड़े ICC खिताब, T20 वर्ल्ड कप 2007, वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 दिलवाई।